नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत में अभी कोरोना वायरस का अंत भी नहीं हुआ था कि अब ब्लैक फंगस ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्य पहले ही इसे महामारी बीमारी घोषित कर चुके हैं। वहीं एम्स के वरिष्ठ न्यूरो सर्जन ने बताया कि कोविड के इलाज के 6 हफ्ते के भीतर मरीजों को ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा होता है। एम्स में न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर पी शरद चंद ने बताया कि फंगल संक्रमण नया नहीं है, लेकिन ये महामारी के अनुपात में कभी नहीं हुआ। साथ ही कहा कि हमें सटीक कारण नहीं पता है कि ये महामारी के अनुपात तक क्यों पहुंच रहा है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण है अनियंत्रित मधुमेह रोगी, टॉसिलेब जुमैब के साथ स्टेरॉइड का व्यवस्थित उपयोग और वेंटिलेशन पर रोगी को रखना आदि है। कोविड के इलाज के 6 हफ्ते के भीतर ही यदि लोगों में इनमें से कोई भी कारक है तो वह ब्लैक फंगस से संक्रमित है। सिलेंडर से सीधी ठंडी ऑक्सीजन देना बहुत खतरनाक है। 2 से 3 सप्ताह के लिए एक ही मास्क का इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस हो सकता है। इसकी घटनाओं को कम करने के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को एंटी फंगल दवा पॉस्कानाजोल दी जा सकती है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में फंगल संक्रमण में इजाफा देखने को मिला है और ज़्यादातर ये ठीक हो चुके हैं, कोविड मरीजों में देखा गया है। देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पहले ही इसे महामारी रोग अधिनियम के तहत एक सूचित बीमारी घोषित कर दिया है, जिससे राज्य सरकार को हर म्यूकोमाइकोसिस मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शन देखते हैं वो या तो म्यूकोमाइकोसिस होते हैं, जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा और एक और होता है कॉक्सीडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन है। लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकोमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड और डायबिटीज जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसिस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रलर म्यूकोमाइकोसिस, जो साइनसिस में, नाक में, साइनसिस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें और ब्रेन के अंदर जा सकता है, जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, इन्वायरमेंट में है। और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकोमाइकोसिस है और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90-95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड नहीं दिया गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है, इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकोमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज नॉट वन फैक्टर विच इज डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो
कोविड पॉजिटिव ही हैं।